नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पिछले हफ्ते एक महीने से चल रहे लॉकडाउन को 24 मई की सुबह तक बढ़ा दिया था। अब लोकल सर्कल सर्वे के अनुसार 68% लोग कम से कम एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। कोरोना की ताज़ा स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सभी 11 जिले के करीब 9000 निवासियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इनमें 69% पुरुष थे जबकि 31% महिलाएं थीं। इससे पहले 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन के दौरान सर्वे में 74% लोगों ने प्रतिबंध आगे बढ़ाने की मांग की थी। ताज़ा सर्वे में प्रतिक्रियाएं देते हुए 10% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन को 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जबकि 26% निवासी 2 हफ्ते और 32% 1 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। हालांकि सिर्फ 10% लोगों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए और सारी पाबंदी भी हटा देनी चाहिए। 22% मतदाताओं ने संपूर्ण लॉकडाउन हटाने की बात कहकर केवल नाइट और वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात कही। राजधानी दिल्ली में 18 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है। इन 5 हफ्तों के भीतर दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों की संख्या 26,000 से घटकर 3 से 6,000 पर आ गई है। पॉजिटिविटी रेट भी 26% से गिरकर 5-7% पर आ गई। रिकवरी रेट बढ़ने के कारण सरकार और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की उपलब्धता भी बढ़ गई है। हालांकि दिल्ली में कोविड से मरने वालों की संख्या रोजाना अभी भी 200 से 300 के दायरे में है। 4 अप्रैल के बाद यह पहली बार है कि राष्ट्रीय राजधानी की कोविड पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आ गई है। दिल्ली में अब तक 14,12,989 कोविड मामले दर्ज किए गए हैं और 2020 की शुरुआत में फैलने के बाद से 22,831 मौतें हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।